Hello students, so today we are going to start the human brain. So in the human brain मैं आपको बोला था कि डायग्राम को आपको यू हैव टू लेबल द डायग्राम. यस, सो ये जो डायग्राम है, डायग्राम में हम देख रहे हैं कि देर इज अ यहाँ अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, सो एज वी नो द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स. जो हम डिफरेंट लोअर वर्टिब्रेट्स या लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते थे, तो वहाँ पे जो ब्रेन था इट इज़ नॉट सो वेल डेवलप्ड, बट द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड एंड इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स. सो इन दिस द ह्यूमन ब्रेन हैज़ डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज़ द फोर ब्रेन, जो सामने का पार्ट है दैट इज़ द फोर ब्रेन. देन सेकेंड इज़ द मिड ब्रेन एंड नीचे का पार्ट दैट इज़ द हिंड ब्रेन. यस, सो दीज आर द फोर थ्री टाइप्स और द थ्री पार्ट्स वेयर द ब्रेन हैज़ बीन डिवाइडेड. यस, दैट इज़ द फोर ब्रेन जो हमारे सामने का पार्ट है. देन दिस देन दी मिड ब्रेन एंड थर्ड इज़ द हिंड ब्रेन. यस, सो अगर हम बात करते हैं, द स्टडी ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज एनसेफेलोलॉजी. इट इज़ कॉल्ड एनसेफेलोलॉजी. यस, अब हमने जो यहाँ पे अगर जो पूरा हम जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है अगर उसकी बात करते हैं, सो द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स और सॉरी द थ्री पार्ट्स दैट इज़ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. इट इज़ कॉल्ड एज प्रोसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोमबेंसेफेलॉन. यस, देन द फोर फोर ब्रेन दैट इज़ द फ्रंट पार्ट अगर हम बात करते हैं, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स दैट इज़ द रेहनसेफेलॉन, टेलनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन. यस, इट इज़ द रिड्यूस ऑलिफेक्ट लोब्स जो आएगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं. यस, देन देर इज अ सेरिब्रम डिवाइडेड इंटू इनकम्प्लीटली टू इंटू टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर. देन डायनसेफेलॉन दैट इज द इपिथेलमस, थैलमस एंड हाइपोथेलमस. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर टूडे. सो इन द फोर ब्रेन दैट इज वन ऑफ द पार्ट, जो इनिशियल पार्ट है अगर हम बात करते हैं, अगर ये ब्रेन है हमारा, सो इट इज़ द फ्रंटल लोब. दिस इज़ द फ्रंटल लोब. देन ये जो दिख रहा है आपको बीच का जो पार्ट, उसको डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रल सुल्कस. देन द पिंक पार्ट इज़ द पेरिटियल लोब. देन द ऑसिपिटल लोब. यस, देन जो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज़ द टेम्परल लोब. एंड जो इन दोनों लोब्स को डिवाइड कर रहा है दैट इज़ द लैटरल सुल्कस. और यहाँ पे जो ये पीछे का पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज सेरेबेलम. इट इज़ कॉल्ड एज सेरेबेलम. यस, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब ये जो पार्ट है ब्रेन के, ये पार्ट अगर हम नॉर्मली अगर फोर ब्रेन को ये स्टडी करने जाते हैं, तो फोर ब्रेन को फिर से इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑलिफेक्ट्री लोब्स. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑलिफेक्ट्री लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन. यस, सो जो ऑलिफेक्ट्री लोब्स है, ऑलिफेक्ट्री लोब्स आप बोल सकते हो, इट इज़ द हाईली रिड्यूस्ड इन ह्यूमन ब्रेन एंड कवर्ड बाय सेरिब्रम. सेरिब्रम जो आपको ये मेन जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज ऑल इज़ द सेरिब्रम पार्ट. दिस इज़ द सेरिब्रम पार्ट जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. यस, सो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द हाईली रिड्यूस्ड इन ह्यूमन ब्रेन्स एंड कवर्ड बाय सेरिब्रम. आउटर कवरिंग जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द सेरिब्रम. यस, कवर्ड बाय सेरिब्रम फॉर ऑल दिस ऑल साइड एक्सेप्ट वेंट्रल. ईच लोब कंसिस्ट ऑफ ऑलिफेक्ट्री पेडियंकल एंड ऑलिफेक्ट्री बल्ब. सो द ऑलिफेक्ट्री लोब्स दीज आर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. यस, देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दैट इज द सेरिब्रम. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट जो हमारे पूरे ब्रेन का पार्ट जिसे जिन्होंने पूरा कवर किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द सेरिब्रम. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेकिंग इट अबाउट 85% ऑफ द टोटल ब्रेन. यस, यस, इट इज़ डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बाय मीन ऑफ अ डीप मेडियन दैट इज द लॉन्ग फिशर. द टू हेमिस्फेयर इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर. अब इसकी स्टडी के लिए वी नीड अ डायग्राम, जो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाने वाली हूँ.
these are the two hemisphere. यस दिस ऑल इज द सेरिब्रम, दिस इज ऑल इज द सेरिब्रम, जिसमें जो पीछे का पार्ट है इट इज कॉल्ड एज सेरिबुलम. ये जो है सेरिबुलम जो है इट इज नॉट कवर्ड बाय द सेरिब्रम. बाकी सारा 85% हमारा जो ब्रेन है वो इट इज कवर्ड बाय दिस सेरिब्रम. यस एंड दिस सेरिब्रम इज डिवाइडेड इन टू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर बाय मीन ऑफ डीप. यहाँ पे जो डीप आपको लॉन्ग फीचर दिखाई दे रहा है, जो आप बोल सकते हैं डीप एक कैनल की तरह दिखाई दे रहा है, दैट इज डिवाइडिंग इट इनटू लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट साइड. यस दिस टू हेमिस्फेयर, अब मैं बुक से पढ़ रही हूँ और आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ. यस दिस टू हेमिस्फेयर इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ थिक बॉन्ड ऑफ नर्व फाइबर्स और कॉल्ड एज द कॉर्पस कैलोसम. यस और ये जो दोनों हेमिस्फेयर है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द नर्व फाइबर. दिस इज द नर्व फाइबर एंड द ज्वाइनिंग ऑफ दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. यस अब हमने कई बार जब हमने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको मैंने बताया है कि जो कोई भी चीज़ का आउटर पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड द मेडुला. सो हियर ऑल्सो द आउटर सर्फेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाइल द डीपर इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल इट इज सेरिब्रम इट इज कॉल्ड एज द सेरिब्रल मेडुला. यस सर सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज आउट थिन रीजन कंपोज ऑफ ग्रे मैटर. ये जो ऊपर का रीजन आपको दिख रहा है इट इज कंपोज ऑफ ग्रे मैटर. वहीं पे आपको जो इनर साइड इट इज द वाइट मैटर, इनर साइड जो है इट इज द वाइट मैटर और आउटर साइड आपको जो दिख रहा है दैट इज द ग्रे मैटर. यस द सर्फेस ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर, द सर्फेस ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो सर्फेस दिख रहा है ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज ग्रेटली फोल्डेड बाय मैनी कॉन्वोल्यूशंस और गैरी. यस ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं. यस दैट फोल्ड इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द ब्रेन. ये क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है सर्फेस एरिया. दिस ग्रेटली इंक्रीज द टोटल सर्फेस एरिया फॉर एकोमोडेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द नर्व सेल. जितना ज़्यादा ये सर्फेस एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, नर्व सेल्स रहेंगी. यस सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज इन्वर्टेड और डीप उसमें क्या रहेगा, आप बोल सकते हो कि उस ग्रूव्स रहेंगे, डीप ग्रूव्स. ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दिस इज मूव्स दैट इज द ग्रूव्स. यस देन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर मेन लोब्स बाय द थ्री डीप सुलसी. देन उसके बाद जो ये जो लोब्स हैं, जो हमने लोब्स की बात करी, जो डायग्राम है दैट इज गिवन इन द बुक. यस दिस इज दिस डायग्राम. सो द ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर मेन लोब्स बाय द थ्री डीप सुलसी. यस ये जो तीन लोब्स है, चार लोब्स है, वो डीपर जो यहाँ पे आपको कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, ये कर्व्स के कारण दे आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स. यस सो द ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर मेन लोब्स बाय दिस डीप सुलसी एंड दीज आर कौन कौन सी सुलसी. सुलसी बोले तो यहाँ पे जो बात की है ये कर्व्स की. यस दिस कर्व्स कॉल्ड एज द सुलसी. द फर्स्ट सुलसी इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सुलसी विच डिमार्केट्स, जो दो चीज़ को डिमार्केट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दैट इज द फ्रंटल लोब्स फ्रॉम द पेरिटियल लोब्स. यस दिस इज द फ्रंटल लोब एंड दिस इज द पेरिटियल लोब. इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इट इज द सेंट्रल सुल्कस. यस देन द पेरिटो ऑसिपिटल सुल्कस. यस देन देर इज अ पेरिटो ऑसिपुलर सुल्कस. दिस इज द पेरिटो ऑसिपिटल सुल्कस विच सेपरेट द पेरिटियल लोब फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब. यस इट इज डिवाइडिंग दिस टू पार्ट. यस देन द लेटरल और द सेल्वियन सुल्कस डेमोक्रेट द टेम्परल लोब फ्रॉम द फ्रंटल एंड पेरिटियल लोब. देन दिस इज द लेटरल सुल्कस. इट ये किस किस को डिस्टिंग्विश कर रहा है, एक तो टेम्परल लोब को डिस्टिंग्विश कर रहा है फ्रॉम दिस फ्रंटल लोब एंड द
पैरिटियल लोब्स। सो ये जो तीन आपको सुलसी दिखाई दे रहे हैं, तीन मेजर कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, इन मेजर कर्व्स के कारण हमारे जो दो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर जो ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है जो इस साइड से आपको दिखाई दे रहा है। यस, सो इट इज कि वो जो दोनों हेमिस्फीयर है, इट इज डिवाइडेड बाय द फोर, ये फोर इसमें डिवाइड, फोर लोब्स में डिवाइड हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थ्री सुलसी। यस, सिंस दिस थ्री सुलसी आर नॉट कंप्लीट, द लोब्स आर नॉट क्लियरली डेमार्केटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब वो इतना फुल्ली फुल्ली नहीं है, वो इतना मतलब पूरा अंदर तक, डीप तक नहीं गया है। सो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक लोब दूसरे लोब से बहुत एकदम डिवाइड हुआ है। नो, इट इज इंटरकनेक्टेड। यस, इट इज इंटरकनेक्टेड। यस, द फिफ्थ मीडियन लोब कॉल्ड द इंसुला और द इंसुलर कॉर्टेक्स इज फोल्डेड डीप विदिन द लैटरल सुल्कस। जो यहाँ पे फिफ्थ मीडियन लोब की बात की गई है, एक जो मीडियन लोब जो फिफ्थ नंबर का है, ये जो चार लोब है इसके बाद जो फिफ्थ लोब है, डैट इज द इंसुला विच इज ऑन द डीप ऑफ दिस लैटरल सुल्कस। ये उसके बहुत डीप में है जिसके कारण इट इज नॉट सीन बाय दिस डायग्राम। सो विच इज इन द फोल्डेड डीप विद इन द लैटरल सुल्कस, जो दिस इज द फिफ्थ मीडियन लोब है, दैट इज इन द मिड ऑफ दिस लेटरल सुलकस, बहुत अंदर साइड में है। सो 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज वन द फिफ्थ विच इज ऑन द इनर साइड, दैट इज द इंसुला। द ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरोन्स अलॉन्ग विथ नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स। यस, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स की बात हो रही थी, कॉर्टेक्स मीन आउटर साइड, जो कॉर्टेक्स है उसमें मिलियंस ऑफ क्या है, न्यूरॉन्स है एंड दे आर नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स एंड डेंड्रॉन्स। द व्हाइट मैटर मेनली हैज एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व्स। यस, सो जो ऊपर का पार्ट है इट इज द कॉर्टेक्स, जहाँ पे आपको मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स दिखेंगे, और इनर पार्ट में इट हैज द एक्सॉन्स ऑफ द माइलिनेटेड नर्व्स दिखेंगे आपको। यस, सो दिस इज हाउ वी हैव देखा हमने कि जो सेरिब्रम था उसको कैसे उन्होंने डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ दिस सुलसी। देन नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेरिब्रम। फर्स्ट इज द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है इट इज वेरी मच जो आपके जितने भी सोचने की चीजें हैं, जो भी हम सोचते हैं, कुछ इमोशंस है, जो भी हम रिस्पॉन्स है, जो भी दे रहे हैं, मेमोरी है, दे आर, ये सारा चीजें कहाँ आएगा, इट इज इन द फ्रंटल लोब। यस, दे हैव द मोटर एरिया विच कंट्रोल द वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी और द मूवमेंट ऑफ मसल्स। यस, द प्री मोटर एरिया इज हायर सेंटर फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। द एसोसिएशन एरिया इज फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट्स, दैट इज द ब्रोका एरिया और द मोटर स्पीच एरिया। दिस इज द एसोसिएशन। यहाँ पे एक मोटर एरिया है, जो मोटर एरिया है फ्रंटल लोब का, इट विल कंट्रोल द वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज और द मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो भी हमारे मूवमेंट की मसल्स होती है, दैट विल कंट्रोल बाय दिस मोटर एरिया। देन टू दिस मोटर एरिया देर इज अ एरिया कॉल्ड एज द प्री मोटर एरिया इज हायर सेंटर फॉर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यस, सो हमने देखा था जैसे नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे जो मोटर एरिया है इट विल कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज, वेयर इज द प्री मोटर एरिया इट कैन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में चीजें होती रहती है उनको मेंटेन करेगा और उसको कंट्रोल करेगा, इट इज द प्री मोटर एरिया। द एसोसिएशन एरिया फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट्स दैट इज द ब्रोकास एरिया और द मोटर स्पीच एरिया। इट ट्रांसलेट द थॉट इनटू स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनैलिटी एरिया आर लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। सो अगर कोई भी चीज़ हम जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आप उसको सुन रहे हो और उसके बाद उसको समझ रहे हो, सो ऑल दिस एक्टिविटी विच वॉट वेयर इट इज़ गोइंग ऑन, इट सो इट इज़ गोइंग ऑन दिस फ्रंटल लोब विच मैनेज द
विच मैनेज द इमोशंस और विच ट्रांसलेट द थॉट इन टू स्पीच, जो मैं सोच रही हूँ उसको मैं बोल सकूँ. देन इंटेलिजेंस, वेल विल पावर, देन मेमोरी, ऑल दीज थिंग्स आर कैन बी द फंक्शन ऑफ दिस फ्रंटल लोब. देन द पेरिटियल लोब्स, दीज आर मेनली फॉर द सोमेस्टेटिक सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टेस्ट. So these are the parietal lobe is responsible for this sensation of pain, pressure, temperature and taste. Then temporal lobes, they contain center for smell, that is olfactory, hearing, auditory and speech and emotion. So the temporal lobe is useful, or it is helpful in the function of the olfactory, auditory and the speech and emotion. Yes. Then the occipital lobes, they have the visual area mainly used for the sense of vision, जो हमें देखने के काम आता है. द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन, अगर हम ये सारे लोब्स के हमने फंक्शंस देख लिए, अब ये जो इनके एरिया की बात चल रही है कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टेम्परल, पेरिटियल एंड ऑसिपिटल लोब इज सेंटर फॉर द वर्निक्स एरिया और द इंटेलिजेंस सेंटर. सो यहाँ पे हम तीन सेंटर्स के, तीन लोब्स की बात कर रहे हैं, टेम्परल, पेरिटियल एंड ऑसिपिटल. सो So this is the temporal, occipital and parietal lobe. ये तीनों के अगर बीच का अगर हम एरिया देखते हैं, so that is the area is called as the intelligence area. Yes, so that is the intelligence area. Temporal, occipital and parietal lobe के बीच का एरिया. So the area of contact between the temporal, parietal and occipital lobes is center for the Wernicke's area or the intelligence center. It helps in the understanding of spoken and writing words. Yes, this intelligence area will help in writing and spoken words. Yes. The cerebrum does show all the three types of area, three types of area, sensory, जो ऑलिफैक्ट्री जिसमें हमने देखा ऑसिपिटल विजन को हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा. यस, हमने टेम्परल लोब में देखा ऑलिफैक्ट्री, हियरिंग, ये सेंसेशन, ये सारा हम कहाँ पे, सेरिब्रम के ही वो टाइप है. तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि दे दिस द सेरिब्रम है वो तीन टाइप के एरिया जो है वो शो कर रहा है. सो फर्स्ट इज़ द सेंसरी, सेकेंड इज़ द मोटर, जिसमें हमने यहाँ पे बात करी कि मोटर एरिया विल कंट्रोल द वॉलेंट्री एंड द प्री मोटर एरिया विल कंट्रोल द इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड द एसोसिएशन एरिया एंड हियर द एसोसिएशन एरिया. यस, सो ऑल दिस थ्री वर्क इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रम. यस, दिस इज द थ्री वर्क विच कैन बी डन बाय दिस सेरिब्रम. The basal nuclei or the basal ganglia are grey masses present within the white matter or laying on the lateral side of the thalamus. जो अभी हम देखेंगे कि जो thalamus है उसके lateral side पे, that is the basal ganglia, अगर जो present है, they will दिस बेसल गैंग्लिया विल रिसीव द न्यूरो ट्रांसमीटर, जो ये हेल्प करेंगे उनको न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, इट विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स एंड दे हेल्प द कॉर्टेक्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटी एट द सब कॉन्शियस लेवल. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग स्लो और रैपिड टाइपिंग. सो ऑल दिस एक्टिविटी जो देख रहे हैं हम, इट इज अंडर द बेसल गैंग्लिया, जो जो थैलेमस का पार्ट है उसके नीचे के नीचे में हम देखेंगे, दैट इज द बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट है. यस, देन कॉर्पस स्ट्रेटम एट द फ्लोर ऑफ सेरिब्रम आर द लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस. सो दीज आर द आप बोल सकते हैं दिस इज द एरिया वेयर फ्रॉम वेयर द मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सेरिब्रम हैज बीन कैरिड आउट, दैट इज द कॉर्पस स्ट्रैटम एंड फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया विच इज द पार्ट ऑफ इनर टू दिस थैलेमस. यस, ये जो थैलेमस है इसके नीचे साइड का पार्ट आप बोल सकते हो, जो हेल्प करता है कॉर्टेक्स को टू रिसीव सिग्नल एंड टू to execute the activity or to writing to write something or to type in
और कोई भी चीज़ को टाइप करने में या राइट करने में दिस विल हेल्प. यस, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम. नाउ थर्ड पार्ट इज द डायनसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन. तो डायनसेफेलॉन इज द पार्ट विच इज वेरी मच इनर साइड, दैट इज वेरी मच इनर साइड ऑफ द ब्रेन. और हम बोल सकते हैं कि जो अब इट इज द पार्ट बिटवीन द जो बोल सकते हैं ऑफ मिड ब्रेन के बीच का पार्ट एंड दिस कॉर्पस कैलोसम. ये जो कॉर्पस कैलोसम है उसके बीच का पार्ट इट इज द पार्ट दैर इट इज कॉल्ड एज द डायनसेफेलॉन. एंड डायनसेफेलॉन की अगर हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. दिस इज द थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस. यस, एंड टू दिस यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है एंड उसके नीचे आप यू फाइंड द मिड ब्रेन. यस, दिस इज द मिड ब्रेन. यस, सो दिस इज द पार्ट इट इज ये जो पार्ट है हम बोल सकते हैं इट इज द डायनसेफेलॉन विच इज वेरी मच मिड इन द ब्रेन. यस, अब इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट कंटेन्स द इपिथेलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथेलेमस. इट लाइज बिलो द कॉर्पस कैलोसम. ये उसके कॉर्पस कैलोसम के नीचे है एंड अबव द मिड ब्रेन. यस, इट एनक्लोज अ सिंगल कैविटी टर्म दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल विच कम्युनिकेट विद द टू लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ सेरिब्रम थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड द फोरमैन ऑफ मोनरो. सो दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल. सो इट इज अ सिंगल कैविटी टर्म अस थर्ड वेंट्रिकल्स विच कम्युनिकेट विद दिस टू लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ द सेरिब्रम थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड द फोरमैन ऑफ मोनरो. सो यहाँ से जो आपको थर्ड वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं इट विल कम्युनिकेट विद दिस टू वेंट्रिकल्स. ये जो टू वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं सो फ्रॉम दिस थर्ड वेंट्रिकल इट विल कम्युनिकेट विद दिस टू वेंट्रिकल बाय द नैरो ओपनिंग दैट नैरो ओपनिंग इट कॉल्ड एज द फेरोमन ऑफ मोनरो. जो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है बट देर इज ए ओपनिंग विच विल कम्युनिकेट और जिससे ये कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द लेटरल वेंट्रिकल्स. यस, सो इन दिस वी आर अगर हम इनकी एनाटॉमी की बात करें कि कौन सा इपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, वो उसके साथ कौन सी लिंक है, कहाँ कौन सा वेंट्रिकल्स है, तो इसके लिए आई विल फॉरवर्ड यू वन वीडियो. फ्रॉम दैट वीडियो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि किसकी एनाटॉमी कहाँ पे है, कौन कहाँ प्रेजेंट है. अगर हम यहाँ पे नॉर्मली अगर देखें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सो हियर द इपिथैलेमस. इपिथैलेमस अगर हम बात करें सो इट इज द थिन एंड नॉन नर्वस रूप ऑफ डायनसेफेलॉन एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दी इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी मेलाटोनिन. इट सिक्रीट्स अ हॉर्मोन कॉल्ड द मेलाटोनिन विच इज़ द स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन. अर्लियर इट वॉज थॉट दैट कि इपिथैलेमस इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन बट लेटर ऑन इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड एज द मेलाटोनिन दैट इज़ द स्लीप इंड्यूसिंग हॉर्मोन एंड इट ऑल्सो रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. यस, एंड इट्स ऑल्सो इट इज़ कनेक्टेड टू द पीनल ग्रैंड थ्रू द पीनल स्टॉक. अगर हम देखेंगे कि इपिथैलेमस की अगर बात करते हैं अगर डायग्राम में यहाँ हम देखेंगे सो द थैलेमस इट इज़ वेरी मच अटैच टू द पीनल ग्रैंड दैट हियर हियर दिस थैलेमस इट इज़ कनेक्टेड टू दिस दिस हियर द पीनल ग्रैंड. यस, दिस इज द पीनल ग्लैंड. यस, सो द पीनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया. इनके हम फंक्शन अभी इसी चैप्टर में डिटेल से देखने वाले हैं. यस, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज इट इज़ द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन, मतलब उसके नीचे साइड का एरिया डैट इज द हाइपोथैलेमस. इट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है.
ये हमको हम बराबर से सीधा खड़े रह सके कि नहीं रह सकेंगे, उसके लिए जो एक बॉडी बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, हमारे इनवॉलेंट्री बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यस इट इज लाइक इट इन द सेरिब्रम द हाइपोथैलेमस आल्सो कंटेन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई इन इट्स वाइट मैटर विथ अ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन विच इज रिस्पॉन्सिबल इन द रिप्रोडक्शन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ दिस। देन इट ऑल्सो रेगुलेट द हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। इट हैज सेंटर फॉर हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, फैटिग्यू, सैटिटी सेंटर, देन सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड ऑफ स्टमक्स। ऑल दिस फंक्शन अगर हम बात करते हैं सो दे आर कंट्रोल्ड बाय दिस हाइपोथैलेमस। यस दे ऑल्सो प्रोड्यूस न्यूरो हॉर्मोन दैट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। यस सो दीज आर द सम फंक्शन ऑफ दिस थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड रिगार्डिंग दिस एनाटॉमी वी विल आई विल सेंड यू वन वीडियो। सो दिस इज हाउ द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस ब्रेन दैट इज द फोर ब्रेन। सो नेक्स्ट वी सी द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ओके।